हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह हो चुकी है, यहाँ बनाने लगे थे, सारी सब्जियों की तैयारी किए थे। तो सुबह का डेली का यही मेरा रूटीन है, जो साग सब्जी होते हैं उनको काटते हैं, छिलते हैं, साफ़ करते हैं, फिर पहले से ही धुल के अच्छे से पालक वगैरह को धुल के रख देते हैं, और जब सब्जी बनानी होती है तब धुलने के बाद इसको कट करते हैं, तभी बनाते हैं। तो यहाँ पर पालक को अच्छे से साफ़ कर लिए थे और धुल दिए थे, तो ज़्यादा पानी में पालक धुल दिए थे, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। करेले की सब्ज़ी बनानी थी, कटहल की सब्ज़ी बनानी थी, दाल चावल ये सारा चीज़ सब लोग बोले थे। तो हम तैयारी सुबह ही अपना नहाने के पहले कर लेते हैं। तो यहाँ तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब सब तैयारी करने के बाद इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए, और आलू को। तो ये जब तक बॉयल होगा एक दो सीटी लगेगी, हस्बैंड आएंगे मेरे, गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पे किचन में चाय वगैरह बनाए थे, थोड़ी बहुत जो चाय गिर जाती है तो उसको थोड़ा साफ़ किए, क्लीन किए, और फिर उसके बाद चले गए नहाने, फिर पूजा करने। पूजा करके आए तो यहाँ पर नाश्ता बनाने लगे। तो नाश्ते में खाना था मेरे हस्बैंड को दलिया, जिसमें पालक टमाटर हरी मिर्च डालते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देसी घी ले लिए थे, देसी घी में जीरा, हींग का तड़का जरूर दीजिए, हींग का तड़का डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, कभी कभी इसमें कद्दू डालते हैं, लौकी जिसको हम लोग बोलते हैं, लौकी थोड़ा सा डाल दीजिए, पालक है, टमाटर है, या आलू आपको पसंद हो तो एक टुकड़ा आलू भी डाल सकते हैं। हल्दी डालिए और पालक को ऐड करते हैं, बहुत ही टेस्टी ये दलिया बन के तैयार हो जाता है। इसमें बराबर मात्रा में ले लेते हैं मूंग की दाल और दलिया, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता है, बहुत हल्का नाश्ता है। अगर आपको कुछ खाने का ज़्यादा हैवी मन नहीं कर रहा है नाश्ता, तो ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगता है, ये बच्चों को भी मेरे अच्छा लगता है। तो अधिकतर ये नाश्ता हम बनाते हैं, मेरे अपने हस्बैंड के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर दलिया अच्छे से भून चुका है, नमक डाल दिए हैं और इसमें पानी डालेंगे बिल्कुल अंदाज से, ताकि ये ज़्यादा पतला भी ना हो, बिल्कुल गाढ़ा भी ना हो। तो नमक डालें और एक सीटी तेज़ आँच में, एक सीटी धीमी आँच में लगाते हैं, झटपट से ये दलिया बनके तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी बनता है ये नाश्ता। तो आप देख सकते हैं ये बनके तैयार हो गया है, और इसको अब निकालेंगे, अपने हस्बैंड को नाश्ता देंगे करने के लिए, क्योंकि वो पूरी पराठा बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। जब से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो वो परहेज बहुत ज़्यादा करते हैं, बोलते नहीं परहेज से ही खाएंगे पिएंगे, नहीं तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत तो बिल्कुल उनकी ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं देसी घी और उनको दे दिए नाश्ता। तो जैसा कि बोले हैं आप लोगों से बहुत बार कि एक नाश्ता और एक खाना मेरे यहाँ नहीं बनता है, तो यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, और काम मेरा इसलिए बहुत ज़्यादा हमको करना पड़ता है। तो यहाँ छोटे बेटे की अलग ही फरमाइश चलती है, तो उसको प्याज का पराठा नाश्ते में खाना था, तो प्याज को खूब बारीक बारीक काट दिए थे, हरी मिर्च जो रखने से बहुत ज़्यादा आ गई थी, लाल हो गई है, तो यहाँ पर हरी मिर्च ले लिए थे, प्याज को काट लिए थे, हल्का सा नमक डाले, आटा डाले और रेड चिली पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इसको गूंथ लिए हैं। ये वाला जो पराठा है मेरी मम्मी बनाती थी इस तरीके से, और हमें भी ये इस तरीके से ही पसंद आता है। तो यहाँ पर बन के रेडी हो गया पराठा। हम जब सेक रहे थे तो मेरे बेटे को कह रहा था कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, और भी कड़ा चाहिए, तो हम बोले तुम खुद ही सेक लो, निकल जाओ मेरे कमरे से, आना मत। तो यहाँ खड़े होके वो खुद ही सेका और लेके चला गया, एक दो आ रहा था, अपने ही हिसाब से सेक रहा था, बिल्कुल उसको लाल लाल और बिल्कुल कड़ा चाहिए था। तो यहाँ मेरा नाश्ता आ गया, यहाँ हम नाश्ता किए, प्याज का पराठा और चाय जो बहुत ही टेस्टी बना था, फिर कटहल बॉयल हो चुका था, आलू बॉयल हो चुका था, आलू कटहल की सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन की हम बनाते हैं, जो इतनी टेस्टी बनती है कि क्या ही आप लोग को बताएं। बिल्कुल इसे प्याज लहसुन नहीं डालते हैं हम, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं, ये भी मेरी मम्मी का ही स्टाइल है सब्ज़ी बनाने का, तो इसी तरीके की सब्ज़ी हमें हमेशा पसंद आती है। तो आलू बॉयल हो चुका था, हाथों से इसको मैश कर लिए थे, सरसों के तेल में हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा का तड़का दिए, हींग का तड़का दिए और डाल दिए थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा नमक। कटहल को फ्राई कर चुके थे पहले से ही, थोड़ा सा आलू को भी भून दिए हैं, अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें अंदाज से पानी डालना है, ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है। फिर इसमें थोड़ा सा डाल देंगे लास्ट में गरम मसाला,
पानी पक जाएगा तो बहुत ही टेस्टी ये कटहल की सब्जी बन के तैयार होती है। जैसे हम लोग लाते हैं मार्केट से कचौड़ी सब्जी, तो ये वो वाली ही सब्जी लगती है। जब हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। पालक जो धुले थे उसको भी अब बनाने जा रहे हैं, तो पालक को काट दिए हैं, एक आलू ले लिए थे, तो आलू पालक की सब्जी बनेगी। और यहाँ पर हस्बैंड बोले थे कि वो करेले की सब्जी खाएंगे, तो उनके लिए करेले की सब्जी बना रहे हैं। तो ये तीन तरीके की सब्जी बन के तैयार हो गई है। ये था आज मेरे दोपहर का खाना, आलू पालक की सब्जी। पालक अभी पक रही है, पालक की सब्जी, और इसको अब खोल देंगे। अब ये अच्छे से, आलू इसका गल चुका है, खोल देंगे तो ये अच्छे से भून देंगे इसको। भूनने के बाद ये अच्छे से पक जाएगी। तो आलू देखिए अब गल चुका है, अब ढकेंगे नहीं इसको। तो जैसे ही हम बैठते हैं सारा सब्जी बना के, मेरे हस्बैंड और सब्जी लेके आ जाते हैं। क्या सब्जी लेते हैं? लौकी, टमाटर, परवल, नेनुआ, पनीर। पनीर भी ला दिए, क्या बनाएंगे तब? तुमसे समझो, हम तुम्हारे ऑप्शन पे नहीं रहे। आज 10 टुकड़े इतना ला दिए, ये सब काटे उठे परवल, इकट्ठे सारा सब्जी आप लेके चले आते हैं। हम ऑप्शन तो है, बस छोड़ दिए ताकि तुम नीला को भी नहीं मिला। और इनको सब्जी लाने का पता नहीं कितना शौक़ है कि जब ये बाहर निकलते हैं, इनको जो भी सब्जी दिखती है ख़रीदते चले जाते हैं। सब्जी को रख के हम भी परेशान हो जाते हैं, और कितनी सब्जी एक साथ बनाएंगे, क्योंकि इतना कोई खाता भी नहीं, खर्च भी नहीं होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गुस्सा लगता है, कितनी बार भी इनको मना करेंगे बट ये नहीं मानते। अपने नेचर से बिल्कुल ये लाचार है। सब्जी का बहुत ज़्यादा इनको प्यार है, कितनी सब्जी हम लेते हैं। एक ही दिन बना देंगे क्या सारा खाना? खाते हैं ये एक ही दिन सब बना के रख दे रहे हैं, 2-4 दिन का छुट्टी हो जाएगा। इस तरीके से मत करिए, पैसा भी लगता है और सब्जी बर्बाद भी होता है। इससे एक टाइम में कितनी सब्जी कोई खा सकता है? लेकिन नहीं, हमको अच्छा लगा, ले लिए। जब मन करेगा तो कुछ और भी बना दे रहे आपके लिए, दाल बना दी है, सब्जी दूसरी बन जाएगी, दूसरे दिन बन जाएगी। बस यही बहाना उनके पास रहता है। परवल शाम को बना देंगे, खराब हो जाएगा क्या? नहीं, भुआ बुला बना दिए शाम के, हमें कई पाव लिए ही है, ज़्यादा हाँ, बहुत बड़ा बड़ा भी है। हाँ हाँ, तो ले लिए कि शाम को बन जाएगा। अभी बना दें आलू परवल? नहीं, हमको वो बना दो पनीर। हाँ, पनीर के लिए पूरा मसाला वसाला पीसना पड़ेगा। सादा के लिए बना के बाहर, सादा कैसे बनाते हैं? अरे घर में सादा ये लोग खाते ही नहीं है। जाने दो, तो को मसाला चाहिए, प्याज चाहिए। क्या पियेंगे? क्या बनाए? सब्जी, इतना सब्जी ला देंगे, सब्जी कहीं ये बना दो वो बना दो, एक दिन में 2-2 सब्जी, 3-3 सब्जी बनाते हैं, खाते भी नहीं।